और रहस्यमय बेधक के जंगल की यात्रा आधी संपन्न हो गई है और इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि इस जंगल में अपार वन संपदा है और इस बीच में जब आप बेधक पहुंचते हैं तो आपको वो रहस्यमय स्थान मिलता है जहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। भगवान हनुमान जो कलयुग के साक्षात देवता कहे जाते हैं उनका निवास है और इस स्थान पर रात में रुकना संभव नहीं है। तरह तरह की यहाँ पे आवाजें लोगों को सुनाई देती है और ये कहा जाता है कि देव स्थान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम से भी जुड़ा इसको कहा जाता है और ये तथ्य पूरा क्या है ये पहुंचने के बाद हमें पता लगेगा। वहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे दृश्य है, वहां पे किस तरीके का झरना है, किस तरीके की चट्टाने हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य का वो स्थान जो दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटे को चीरता है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर हैं जो काफी खतरनाक है, बेहद खतरनाक है, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि आपको हम दिखा सकें कि इस जंगल से जाने वाला वो रास्ता जो पर्यटन का अद्भुत स्थान है उसको कैसे, प्राकृतिक संपदा को कैसे बचाया जा सकता है और ये रहस्यमय स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं उस रहस्यमय स्थान पर जिसको बेधक कहते हैं। बेधकनाथ का जंगल है और मानिकपुर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान काफी रहस्यमय है और विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य के बिल्कुल अंदर, यानी कह सकते हैं कि बहुत अंदर, जहाँ पे जंगल बहुत हरा भरा है और इस बीच में एक ऐसा स्थान है जो पौराणिक भी है, लोगों की मान्यताओं का केंद्र भी है और यहाँ पे कहा जाता है कि सूरज की रोशनी नहीं जाती है, जहाँ पे मंदिर है भगवान हनुमान का। चलते हैं, दिखाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे, स्थानीय लोगों ने भंडारा कर रखा है। ये बेधकनाथ स्थान काफ़ी सुंदर, मनोरम और दिव्य स्थल है। यहाँ पर भगवान बेधकनाथ से जो भी मान्यताएँ मांगी जाती हैं निष्काम पूर्ण होती हैं और सभी लोगों की आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर डीएम जगन्नाथ जी थे, उनकी पत्नी चबूतरे में सैंडल पकड़ के पहन के चढ़ी थी, जैसे ही चढ़ी वैसे यहाँ पर भंवर बड़ी बड़ी लगी हुई हैं मछियाँ, वही पूरा एकदम से चारों तरफ से उनके ऊपर आक्रमण करके और एकदम मृत अवस्था में हो गई थी। तभी डीएम ने उनके किसी यादों से पुरस्कार के लिए बोला कि जो भी मेरी पत्नी को ले आएगा तो उसे मैं राइफल का लाइसेंस दे दूँगा। फिर एक हमारे गांव का यादव, दशरथ यादव का नाम का, वो दौड़ के आया और चंबर उड़ा कर दौड़ के ले गया। हनुमान जी की जय। ये हमारे आदि नहीं अनादि काल से हमारे पूर्वजों के देवता रहे हैं और हमारे गांव और यहाँ के आसपास के लोग मानता रही है कि जो भी बेधकनाथ से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है और इसी के लिए यहाँ मंगलवार सोमवार को भीड़ रहती है और अक्सर यहाँ भंडारे चलते रहते हैं। इस कोरोना काल में भी आप देखो, कोरोना काल चल रहा लेकिन भक्तों की तादाद कम नहीं हो रही। हम इस समय
बेधकनाथ स्थान पे है। यहाँ पे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है और चारों तरफ से यह पूरा मंदिर घिरा हुआ है। बड़ा ही सुंदर स्थान है, प्राकृतिक स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पे आते हैं। रास्ता तो दुर्गम है, लेकिन रास्ता के हिसाब से जो है यहाँ पे आस्थाएं लोगों को खींच लाती हैं और काफ़ी संख्या में यूपीएमपी के लोग यहाँ पे बॉर्डर पे है, यूपीएमपी के लोग यहाँ पे आते हैं। ऐसा हिस्सा है जहाँ पे पाताल लोक जाने का रास्ता है, वो लोगों को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पे तपस्या करने से, यहाँ भगवान हनुमान की का जो मंदिर है, जो प्रतिमा है, उसको पूजन करने से यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये स्थान इतना सिद्ध है कि यहाँ पे कोई भी संत महात्मा रुक नहीं सकता है। रात में रुकना यहाँ बहुत दुष्कर है, क्योंकि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनका आगमन होता है, उनका नृत्य होता है, वो अपने यहाँ पे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के विंध्य पर्वत श्रृंखला का ये बहुत ही बड़ा रहस्यमय स्थान है बेधकनाथ, भगवान का स्थान जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाती ऐसा बताते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे आने वाला हर शख्स यहाँ का ही होकर रह जाता है। यहाँ पे झरना भी है, यहाँ पे चारों तरफ से जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखते बनता है। तो कुल मिलाकर के ये अद्भुत स्थान जहाँ की यात्रा हमने आपको दिखाई बेधकनाथ महाराज की, ये पर्यटन का वो केंद्र है जिसको प्राकृतिक ही रहने दिया जाए तो ठीक होगा। अगर यहाँ भौतिक सुख आते हैं तो ये स्थान अच्छा नहीं रहेगा। हमारी अपील ये है कि ऐसे स्थानों पर शोध और निरंतर जारी रहना चाहिए, जिससे इस स्थान का और आगे भी प्रचार प्रसार हो सके।